उठो, हमें भी यहाँ जाना है। क्या हुआ? सवाल मत पूछो, चलो चलो बस। ये देखो, कर्पूर, हल्दी, कुमकुम। मन्ना, मन्ना, बेटा तुम सोए नहीं? आप अभी तक जाग रही है, कुछ कर रही थी? हाँ, वो सामान संभाल रही थी। आज बड़ी देर लगा दी आपने आने में। हाँ, मैं पापा से मिलने हॉस्पिटल गई थी ना, इसलिए। मैं भी गई थी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से पता चला कि आप 2 घंटे पहले ही निकल चुकी है। हाँ, वो रास्ते में मेरी एक सहेली मिली, रोटरी क्लब मेंबर शिल्पी, उसी के साथ बातें कर रही थी। बातों में पद का कुछ पता ही नहीं चला। वैसे बेटा रात भी बहुत हो गई है, तुम जाओ जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? दुर्गा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अगर गाड़ी ठीक करनी है तो सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आज की पूरी रात इसी घर में बितानी पड़ेगी। मुझे इसे खुशी से छुपा कर ही रखना होगा, कहीं वो देख ना ले। हाँ, यहीं पर ठीक रहेगा। सुबह सुबह तो मैं निकल के जाऊंगी, खुशी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक मुझे इसे राज ही रखना होगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तो उसे कोई पुरानी बात याद ही नहीं रहेगी। परसों सुबह जब वो नींद से उठेगी तो वो सिर्फ खुशी होगी, सिर्फ खुशी। भाभी। हाँ। ये आप कैसे बैठी है? वो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। लेकिन आपके हाथ में मैगजीन है ही नहीं। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। वो क्या है ना कि लंदन और इंडिया के टाइम शेड्यूल्स कुछ एडजस्ट ही नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता। आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट डे एंड नाइट, यू नो। इट्स ओके भाभी, गुड नाइट। वृंदा, लिसन। वो मैं क्या कह रही थी, वो खुशी को कल जहाँ जाना हो उसे जाने देना। हाँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है कल शॉपिंग के लिए। वो कहीं नहीं जा रही भाभी। नहीं जाएगी, मेरा मतलब है वृंदा, खुशी की उम्र है ये सब करने की, घूमने फिरने की। आई थिंक तुम्हें उसे थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, है ना? ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा कि आपको खुशी का इतना ख्याल है, लेकिन अभी इस वक्त मैं उसे इतना फ्रीडम नहीं दे सकती भाभी। गुड नाइट। अरे भाभी,
इस कमरे में तो बहुत गर्मी लग रही है, आपको नहीं लग रही? मैं जरा खिड़की खोल देती हूँ। नहीं मेरा मतलब है सांस सांस। इंडिया की, बॉम्बे की एयर में इतनी इतनी पॉल्यूशन है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीदिंग की। गुड नाइट। कहीं इसके पीछे खुशी का ही तो हाथ नहीं? मन्ना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं वो त्र्यंबकेश्वर जा रही है। ये मुझे टैक्सी की रिसीप्ट मिली, लेकिन इसके मुताबिक तो आप दो लोग जा रहे हैं। हाँ वो मैंने बताया था ना, मेरी रोटरी क्लब वाली फ्रेंड शिल्पी, एक्चुअली वो एक सोशल सर्विस वर्कर भी है, वहीं पर एक ओल्ड एज होम है, उसी की आज एनिवर्सरी भी है बेटा, और इस नेक काम के लिए मैं उसे मना तो नहीं कर पाई ना, इसलिए जाना ही पड़ा। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। ये क्या है मन्ना, आप सोशल सर्विस के लिए जा रहे हैं या फिर किसी पूजा के लिए? ये नारियल, ये अगरबत्ती, मैंने बताया था ना वो ओल्ड एज होम की आज एनिवर्सरी है, वहाँ पर सत्यनारायण पूजा भी है, उसी के लिए मैं ये सामान सब ले जा रही हूँ। अच्छा बेटा आते आते रात बहुत हो जाएगी, इसलिए तुम सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। रात तक आपका काम हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए, मेरा मतलब है पूरा तो हो जाएगा। बाय मन्ना, आज रात को आप जब वापस आएंगी तो आप मुझे यहाँ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ। अब यहाँ मुझे रुकने वाला कोई नहीं है। आर्यन, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ आर्यन, तुम्हारे पास। रात भर गाड़ी में सोने के बाद तुम अब भी? मैं कार चेक करके आता हूँ, और अगर जरूरत पड़े तो फिर पैदल चलकर गांव से मैकेनिक लाना पड़ेगा। तुम दोनों हमारी चिंता मत करना, श्रद्धा का बुखार भी कम हो गया, हम यही इंतजार करेंगे। तुम जाओ, जितनी जल्दी गाड़ी ठीक हो जाएगी उतनी ही जल्दी हम यहाँ से जा पाएंगे। शालिनी जी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे बाप रे, 7 बज रहे, हमें तो 6 बजे निकलना था, पता नहीं शालिनी जी कहाँ रह गई। मैंने बताया भी था कि 6 बजे निकलना है, कहीं टाइम को लेकर उन्हें गलतफहमी तो नहीं हो गई?
सुनिए, शालिनी जी घर पर है? शालिनी जी, लगता है आपको टाइम को लेकर गलतफहमी हो गई है। हमें तो 6 बजे निकलना था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? इनफैक्ट मैं आपका फोन भी लगा रही थी, लेकिन शालिनी जी, आप जानती हैं ना, ये पूजा तिथि के पहले ही होनी चाहिए। मैं जानती हूँ रद्दा। आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी आप आई नहीं। वृंदा, मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं इस पूजा के लिए नहीं चल रही हूँ। मैं ये पूजा नहीं करूंगी। मैं अपनी मुस्कान के साथ अपना बंधन तोड़ने के लिए हरगिज राजी नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही है शालिनी जी? आप जानती है ना, ये पूजा खुशी की भलाई के लिए हो रही है। खुशी को आर्यन को भूलना ही होगा। हाँ, उसे आर्यन को भूलना है, लेकिन उसके लिए ये तो जरूरी नहीं कि वो मुझे, अपनी माँ को ही भूल जाए। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है शालिनी जी? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपकी बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। क्या आपने गुरुजी की बातें नहीं सुनी? वो कह रहे थे कि इसका जुनून इस हद तक बढ़ता जाएगा कि उससे दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। बात दूसरों की नहीं है शालिनी जी, बात मेरी बेटी की है, मेरी बेटी की। हाँ, तुम्हारी बेटी। असली बात ये है, तुम ये पूजा सिर्फ इसलिए करवाना चाहती हो क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस पूजा के बाद वो सिर्फ तुम्हारी बेटी बन के रह जाएगी। पर मेरा क्या होगा? तुम कहती हो ना कि मैं स्वार्थी हूं। ये सब कहना बहुत आसान है वृंदा, पर उस मां से पूछो जिसने अपनी बेटी खोई है। और आज जब उसे अपनी बेटी को दोबारा पाने का मौका मिला है, तो तुम कहती हो कि मैं उसे फिर खो दूं। और अगर भगवान की यही इच्छा है कि उसे अपने इस नए जन्म में भी अपने पुराने जन्म की माँ याद हो, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? भगवान की इच्छा वो थी जब मुस्कान ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। मुस्कान इस दुनिया में वापस आई अपनी जिद की वजह से, अपना प्यार पाने के लिए, ऊपर वाले की वजह से नहीं। उसने अपने किस्मत को झुटलाकर अपना अतीत, अपना वादा याद रखा। आप क्यों नहीं समझती शालिनी जी, इस पूजा के बाद हम उसे भगवान की इच्छा के करीब ला सकते हैं, कुदरत के नियमों के पास ला सकते हैं। इस दुनिया से चले जाने के बाद आत्माएं नया जन्म तो ले लेती है, लेकिन अपना पुराना जन्म याद नहीं रखती। वरना कोई भी किसी का पूरी तौर से हो नहीं पाता। खुशी के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। उसे अपना पुराना जन्म भूलना ही होगा और हमें उसकी मदद करनी होगी। ये सब तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि स्वार्थी मैं नहीं, तुम बन रही हो। तुम जानती हो कि मुस्कान को किस्मत और कुदरत के नियम में बांधकर, खुशी बनाकर तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लोगी। तुम्हें तो तुम्हारी बेटी मिल जाएगी वृंदा, मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें पता होता कि इस पूजा के बाद तुम अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देती, तो क्या तुम ये पूजा करती? बोलो वृंदा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम ये करती? बोलो वृंदा, जवाब दो। कोई जवाब नहीं है ना वृंदा? मुझ में दोबारा अपनी बेटी को खोने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम्हें एक मां की ममता का एहसास है? अगर होता तो मेरे हाथ से मेरे बच्चे से नाता तोड़ने को तुम कभी न कहती। मां की ममता का एक और अर्थ मैं समझती हूँ, और वो है मां की कुर्बानी। मां की ममता वो होती है जो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है।
माँ की ममता वो होती है जो अपनी बेटी को उस दुख और दर्द से छुटकारा दिला सके जिसमें उसकी बेटी जन्म से ही गुजर रही है। क्या आपकी ममता ये नहीं चाहती कि मुस्कान एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए? क्या आपकी ममता ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी वो सारी खुशियां पाए जो आज तक पा नहीं सकी? आप नहीं चाहती ना, तो क्या हुआ अगर उसका नाम खुशी हो? आप नहीं चाहती ना? माँ की ममता आप नहीं पहचानती, मैं पहचानती हूं। सॉरी, वो श्रद्धा सो रही थी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। दुर्गा, मैंने गाड़ी चेक की है, गाड़ी पे कोई खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम्हें गांव जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या? गांव में जा नहीं सकता। क्यों? इधर देखो, ये देखो, आसपास इतना कोहरा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। अब निकलूंगा तो जाते जाते पता नहीं कितनी देर लग जाए। तुम दोनों को मैं अकेले छोड़ना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें साथ लेके जा सकता हूं। क्या करें? मेरे ख्याल से तो जब तक कोहरा हट नहीं जाता हमें यहीं रुकना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। वी हैव टू वेट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम यहां से जाने की कोशिश करेंगे तो भी जा नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई हमें यहां रोक रहा है, मगर कौन है वो? भगवान ही जानता है कि इस घने कोहरे में से निकलकर कौन हमें यहां मदद करने आ जाए। मैं आ रही हूँ।